नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी कहानी बातूनी कछुआ के ऊपर है। तो चलिए साथ मिलकर कहानी सुनते हैं। एक जंगल में एक कछुआ रहता था जो पूरे दिन बोलते रहता था। वो थोड़ी देर भी चुपचाप नहीं बैठ सकता था। इस बार तो जंगल में सूखा पड़ा है, सब लोग जंगल छोड़कर जा रहे हैं। चलो मैं भी निकल जाता हूँ। अरे यह तो हमारा दोस्त कछुआ है, वह धीरे धीरे तो कहाँ तक जा पाएगा। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम एक लकड़ी को दोनों ओर से पकड़ लेते हैं, तुम उसको अपने मुंह से बीच में से पकड़े रहना और भूल से भी अपना मुंह मत खोलना। थोड़ी दूर जाते ही कछुए ने नीचे देखा तो वहाँ गांव के बहुत सारे लोग खड़े थे। सब लोग यह दृश्य देखकर रोमांचित थे, क्योंकि कभी किसी ने कछुए को ऐसे उड़ते नहीं देखा था। यह देखकर कछुए से भी रहा नहीं गया और बोला, अरे देखो मैं तो उड़ रहा हूँ। और तुरंत ही उसके मुंह से लकड़ी छूट गई। वह नीचे धड़ाम से गिरा। यह थी बहुत बोलने की सजा। यह था मूर्खता का परिणाम।